घोटालों के बाद अब जांच और पूछताछ का दौर जारी है। एक तरफ 2G स्पेक्ट्रम पर सीबीआई के सवालों में घिरे ए राजा से मामले से जुड़े कई मुद्दों पर पूछताछ की जा रही है, वहीं CWG ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सुरेश कलमाड़ी पर भी सीबीआई ने शिकंजा कसते हुए CWG में हुए करोड़ों रुपए के वारे न्यारे पर सवालों का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन में हुए करोड़ों रुपए की गड़बड़ी के सिलसिले में सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को सुरेश कलमाड़ी के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। छापे के वक्त कलमाड़ी नई दिल्ली स्थित आवास पर ही मौजूद थे। कॉमनवेल्थ गेम के मुख्य आयोजक सुरेश कलमाड़ी समेत 2G स्पेक्ट्रम मामले के मुख्य आरोपी ए राजा पर सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सीबीआई ने कलमाड़ी के नई दिल्ली और पुणे में मौजूद घर और दफ्तरों पर छापे मारे। इस दौरान कॉमनवेल्थ से संबंधित कई अहम दस्तावेज गायब होने की बात सामने आई है। सीबीआई खोए हुए दस्तावेजों की तलाश कर रही है। सीबीआई द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन एवं उनके निजी सहायक के दिल्ली, पुणे एवं मुंबई स्थित कार्यालय एवं निवासों की तलाशी ली गई। यह तलाशी क्वींस बेटन रिले के लिए वीडियो स्क्रीन लगाने के ठेके में हुई अनियमितताओं के संबंध में 10 प्रकरण के सिलसिले में ली गई। तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले जिनकी जांच की जा रही है। कई मेहमान आए, इधर आए और पुणे में भी गए, मुंबई में भी हमारे भाई के घर गए, सारा हमारा बिजनेस इंस्टीट्यूशंस के पास भी गए और हमने पूरा कोऑपरेट किया। और एक कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो निर्णय हुआ है, कई सुरेश कलमाड़ी ने अकेले कहीं भी निर्णय नहीं लिया। आई हैव नॉट टेकन एनी डिसीजन अलोन। देयर इज अ एंटायर एग्जीक्यूटिव बोर्ड, देयर इज अ OC फाइनेंस कमेटी, देयर इज अनदर फाइनेंस कमेटी विद ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स देयर। सो आई हैव नॉट टेकन एनी डिसीजन अलोन। सो I am ready for any investigation on any issue.